दोस्तों स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पे। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी कटअप के बारे में। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, मैं इस कटअप के वीडियो क्यों लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही लोगों ने अपने मार्क्स मिलाए, कुछ उड़ान से मिला लिए, कुछ हजारीबाग के कोचिंग से मिला लिए, कुछ रांची कोचिंग से मिला लिए, कुछ स्मृति मैम की कोचिंग से मिला लिए। जिनका जितना ज़्यादा सही हुआ उन्होंने उतना रख लिया। मेरे कहने का मतलब था कुछ क्वेश्चन अगर उड़ान में सही हो रहे तो उन्होंने उड़ान का मिला लिया, कुछ क्वेश्चन मेघा में रखने लगे तो उसमें मिला लिया, कुछ क्वेश्चन रांची के कोई इंस्टीट्यूट का मिलने लगा तो उनका मिला लिया, कुछ क्वेश्चन स्मृति मैम का मिलने लगा उनसे मिला लिया। उससे दिक्कत देखिए क्या आ गई दोस्तों, बहुत सारे लोगों का स्कोर जो 115 से 120 के बीच में लाइक कर रहा था, वो स्कोर जब जेपीएससी ने अपना आंसर की जारी किया, ऑफिशियल आंसर की जारी किया, उसमें से उन लोगों का 5 से 6 क्वेश्चन आराम से गलत हो गया। दोस्तों मैं एक आप लोग बात क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं आपको दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन में त्रुटि आई है जेपीएससी के बारे में। उसके बाद में मेरा वीडियो बनाने का सेकेंड जो पर्पज़ था, बहुत सारे लोग फेक कटअप के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दोस्तों कि 100 जिनका कटअप है रिजर्व कैटेगरी में आराम से हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे दोस्तों कि 130 जाना चाहिए तब आपका सिलेक्शन होगा। मैं उन्हीं सारी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में आप लोगों के लिए एक विचार लेने लेके आया हूँ, कटअप के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके साथ ही दोस्तों मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक डाल दूंगा, वहाँ पे आप अपना पोल भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे अपना स्कोर भी बता देना दोस्तों, कमेंट में भी जाके बता देना। चलिए मैं बात करूँ सबसे पहले टोटल वैकेंसीज के बारे में। जो टोटल वैकेंसीज है वो टोटल 252 वैकेंसीज है दोस्तों, इसकी 15 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस बात को मानिए कि वैकेंसीज रियल में बहुत कम है। मैं कम इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछले 3 जेपीएससी का इसमें जुड़ा हुआ दोस्तों बहुत सारे लोगों का इसमें जो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो खारिज थी उम्र वाली, उन्होंने उसे खारिज कर दी दोस्तों, ठीक है, मैं उसका भी बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों और भी लोग इसमें बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो जो एग्ज़ाम लेवल था दोस्तों पिछले बार के कंपेयर में हाई था, इसमें कोड आउट नहीं था, फर्स्ट पेपर ईजी था दोस्तों, बट क्वेश्चन क्लोज था, ऑप्शन जो क्लोज थे उसी कारण फर्स्ट पेपर में थोड़ी दिक्कत आई। बट अगर आप फिसेस के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ईजी टू मॉडरेट बोला जा सकता था फर्स्ट पेपर, मुझे मॉडरेट लगा, मैंने खुद सॉल्व किया दोस्तों उस पेपर को। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो डेटा थी, जो डेटा से क्वेश्चन आए हुए थे वो गजब डेटा थे दोस्तों, आपको बहुत सारे बुक में नहीं मिलते, जो एजुअली जनरली जो फॉलो किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा उसमें डेटा का अभाव था दोस्तों, ये देखा जा रहा था कुछ कुछ डाटा का। तो क्या दोस्तों कटअप कम जाएगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कटअप थी 103 क्वेश्चन जिनका था सही वो रिजर्व कैटेगरी में सेफ थे, उनको मेंस के लिए बुलाया गया था। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जो कटअप है वो इस बार कम नहीं रहेगी। इसकी रीज़न क्या है, मात्र 252 वैकेंसीज है और मैं आपको पहली बार बता चुका हूँ कि 3 जेपीएससी का ये है, जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा हैं, मेहनत भी अच्छे कर रहे हैं और क्वेश्चन मॉडरेट से हाई था, लेवल तो सेकेंड पेपर था बट इतना भी हाई नहीं था दोस्तों कि आप उसमें से 55 से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच में आप नहीं कर पाओ, ठीक है दोस्तों, ईजिली था। अब हम लोगों की दिक्कत क्या हो जाती है दोस्तों, अगर हम लोगों का स्कोर 100, 102 या 90 या 95 कर रहे हैं तो हम लोग ये उस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं कि यार ये क्वेश्चन हार्ड मिल गया। हम लोग कभी क्वेश्चन को बात नहीं करते कि क्वेश्चन इजी भी कुछ थे, जो पीसीएस का लेवल है, यूपीएससी का लेवल है, उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, अगर आपने 60% स्कोर किया है तो। चलिए बात करें आप कटअप के बारे में, बहुत सारे लोग जो कटअप के बारे में बात कर रहे हैं 100 कटअप जाएगा इनकी, कोई बोल रहे हैं 130 जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बता दूं जो लोग दोनों बोल रहे हैं गलत है दोस्तों। 100 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि वो लोग कोर्स अपना बेचना चाहते हैं। आप लोगों की उनकी मानसिक स्थिति को समझना पड़ेगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि उन्होंने लास्ट तक अपना कोर्स बेचा। मैं किसी भी कोचिंग का बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहां पे, बट मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि 100 तो कभी भी कटअप नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि जो इनका स्कोर 195 से लेकर 205 है वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे करने से उनका बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं 195 में हूँ तो बहुत सारे लोग इसका कोर्स कर देंगे, बट दोस्तों आप इसकी उम्मीद नहीं माने। अगर आपका स्कोर 100 से नीचे है तो आप कभी भी नहीं हो सकता, मैं इसकी गारंटी 110% ले सकते हैं अनदर कैटेगरी में, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर ले अगर दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आपका स्कोर 110 से लेके 120 के बीच में आ रहा है तो आप एकदम सेफ आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। इसमें से जो 3 से 4 क्वेश्चन की त्रुटि थी उसे हटा के मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहीं पे मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, अनरिजर्व कैटेगरी की ही जो 10% रिजर्वेशन मिला था, ठीक है, उसे लेकर तो ये जो कटअप जाने वाली है वो जाने वाली है 108 से लेके 118 के बीच में, ओके दोस्तों। अब हम बात कर लें ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कटअप है दोस्तों वो आपकी रहने वाली है 100
9 से लेके 118 के बीच में इनकी भी कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जनरल के कंपेयर में ओबीसी कट ऑफ जाएगी दोस्तों, क्योंकि ओबीसी की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है झारखंड में। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, एससी और एसटी के लोगों के बीच के बारे में लोगों की बहुत भ्रमित है कि इनकी कट ऑफ कम जाएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इन लोगों को भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन किया जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी थी। झारखंड को सिर्फ अलग इसलिए बनाया गया, इसमें एक रीज़न ये भी था दोस्तों कि इन लोगों का बिहार में उस टाइप का मदद नहीं मिल रहा था दोस्तों। तो इसी कैटेगरी के जो लोग हैं प्रोत्साहन करने से इन्होंने पढ़ने के लिए अलग जागी है। अगर इनका स्कोर 102 से लेके 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो मेंस के लिए। अब बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो अगर आपका स्कोर 100 से लेके 108 के बीच में लाइक कर रहा है तो आप आराम से सेफ हो दोस्तों। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ जेपीएससी को लेके कि अगर मैंने जितना स्कोर बताया उससे आपका 2 से 3 नंबर अगर कम भी आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन कम भी है, तब पर भी आप सेफ हो, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो बॉर्डर लाइन पर दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।